कहते हैं जीवन में इंसान के जीने की सबसे बड़ा कारण होता है उम्मीद। अगर उम्मीद ना हो तो इंसान एक पल के लिए भी जी नहीं सकता। कोरोना वायरस के चलते एक ऐसी ही उम्मीद बची है हम इंसानों के पास कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एडियो वार्ता और आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसी ही लड़की के बारे में जिसे आँखों से दिखाई नहीं देता था मगर फिर भी उसे जीवन में बहुत कुछ देखना पड़ा। दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक छात्रा जो कि उत्तराखंड के अल्मोड़ा ज़िले से है, उसे कोरोना वायरस के चलते अम्बेडकर गांगुली स्टूडेंट्स हाउस फॉर वुमेन से निकाल दिया गया। जब यूनिवर्सिटी और हॉस्टल की वार्डन तक ने उसकी मदद करने से मना कर दिया तब इस छात्रा को मजबूरन एक ब्लाइंड स्कूल हॉस्टल के दरवाजे खटखटाने पड़े और वहाँ उन्होंने भी उसकी मदद करने से मना कर दिया। सूरज जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में मास्टर्स ऑफ म्यूज़िक की पढ़ाई कर रही है, उसे पूरी रात उसी स्कूल हॉस्टल के दरवाजे के सामने बारिश में काटनी पड़ी मगर फिर भी उसकी मदद के लिए कोई नहीं आया। कुछ समय बाद उसकी एक दोस्त ने उसे हॉस्टल में रहने की परमिशन दिलवाई मगर सूरज यहाँ लंबे समय तक नहीं रह सकती थी। एक छोटा सा कमरा जिसमें वो रह सके, अपना खाना बना सके, सिर्फ इतनी सी ही मांग थी सूरज की। सूरज ने रजिस्ट्रार, VC और भी कई अथॉरिटीज़ के दरवाजे खटखटाए मगर किसी ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। यहाँ तक कि उसके परिवार ने, स्कूल टीचर्स ने और उसके दोस्तों ने भी उसकी मदद करने से इनकार कर दिया है। सूत्रों के अनुसार जब स्थिति की जानकारी हासिल करने के लिए नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने हॉस्टल वार्डन को संपर्क किया तब हॉस्टल वार्डन ने जानकारी देते हुए ये बताया कि हॉस्टल के दरवाजे सभी छात्रों के लिए बंद हैं और वो किसी एक छात्र के लिए नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकते। अभी तक किसी भी अथॉरिटी ने सूरज के लिए मदद का हाथ नहीं बढ़ाया है। इस मामले में अगर हमें आगे और कोई जानकारी मिलेगी तो हम उसे आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। मगर फिलहाल बस इतना ही। मेरा नाम है गरिमा अग्रवाल और आप देख रहे थे एडियो वार्ता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। शिक्षा से जुड़ी कोई भी समस्या अगर आप फेस कर रहे हैं या आप चाहते हैं कि आपकी कोई बात हम अथॉरिटीज़ तक पहुंचाएं, तो आप हमें eduvarta@gmail.com पर संपर्क कर सकते हैं और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।